लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लोगों में जिज्ञासा बनी हुई है और लोग ये जानना चाहते हैं कि इस बार हमारी लोकसभा सीट से कौन विजय होगा, या यूं कहें कि हमारी लोकसभा सीट से कौन सांसद हो सकता है। और इसी बीच फलौदी सट्टा बाजार ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बिग्गी राजा या दिग्विजय सिंह को लेकर अपने अनुमान जारी कर दिए हैं, जो मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पर चर्चा इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस लोकसभा सीट को लेकर फलौदी सट्टा बाजार का क्या कहना है। तो हमेशा की तरह चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी यहां पे मौजूद हैं। तो सर, जैसा कि अगर बात की जाए इस राजगढ़ लोकसभा सीट की, जो मध्य प्रदेश की सीट है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सीट को लेकर जो फलौदी सट्टा बाजार का क्या कहना है कि इस लोकसभा सीट से क्या माहौल हमें देखने को मिल सकता है। देखो, ये काफी चर्चित सीट है और लगातार बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार इस सीट से हम दिग्गी राजा को हरा देंगे। लेकिन फलौदी सट्टा बाजार ने अपने इस हॉट सीट को लेकर अनुमान जारी कर दिए हैं। देखिए, इस सीट का जो अनुमान जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कई जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी इस बार साख दाव पर लगी है, या बोलें तो करियर दाव पर लगा है, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है अब, और उम्र अगर इस बार वो हारते हैं तो उनका करियर ख़त्म हो सकता है, राजनीतिक करियर ख़त्म हो सकता है। उसी कड़ी में एक दिग्विजय सिंह जी भी आते हैं, जैसे आपने बताया कि राजगढ़ सीट से वो उम्मीदवार हैं। देखिए दर्शकों, जैसे मैंने कहा आपको कि बीजेपी से लगातार ये दावा किया गया कि इस बार हम दिग्विजय सिंह जी को हरा देंगे, फलौदी सट्टा बाजार ने अब इसको लेकर अनुमान जारी कर दिए हैं। देखो, मैंने दर्शकों आपको बताया कि इस बार काफ़ी नेताओं की साख दाव पर लगी हुई है, अगर वो इस बार जीत नहीं पाए तो उनके करियर ही ख़त्म हो जाएगा। वो दोनों पार्टियों में आते हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो या फिर आप बीजेपी या एनडीए में हो, ऐसे काफ़ी नेता हैं, अगर वो इस बार अपना चुनाव नहीं निकाल पाए तो उनका राजनीतिक करियर ही ख़त्म हो जाने वाला है। उसी कड़ी में से हैं दिग्विजय सिंह जी भी। दिग्विजय सिंह जी का भी चुनाव इस बार काफ़ी कमज़ोर बताया गया। देखिए, अगर मैं बीजेपी के उम्मीदवार की बात करूं तो यहां पर रोडमन लागर जी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और लगातार वो 2014 की बात करो या 2019 में लगातार जीतते आ रहे हैं, और इस बार पहली बार दिग्विजय सिंह जी यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं, इसलिए काफ़ी चुनाव मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और कहा जा रहा है कि इस बार फलौदी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि इस बार दिग्विजय सिंह जी के हाथ में निराशा लगेगी और यहाँ से वापस से रोडमल जी चुनाव अपना जीत निकाल लेंगे, यानी कि फलौदी सट्टा बाजार इस सीट को बीजेपी के खाते में जाता हुआ बता रहा है और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्गी राजा या दिग्विजय सिंह जी हारते हुए बताए जा रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया कि मध्य प्रदेश राजगढ़ की इस लोकसभा सीट से रोडमल लागर जी का, जैसे बताया कि भाजपा से लगातार दो बार 2019 की बात कर ली जाए, 2014 की बात कर ली जाए, यहाँ से लगातार जो है चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस बार जो है इस सीट को जीतने के लिए दिग्विजय सिंह जी को आगे किया, लेकिन वो भी इन चुनाव में कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए फलौदी सट्टा बाजार के आधार पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश से देख रहे हो तो हमें जो है अपनी राय जरूर बताएं कि दिग्विजय सिंह जी जो इतने बड़े कद्दावर नेता जी इंडिया गठबंधन की तरफ से आते हैं, वो ये चुनाव हार सकते हैं या जीत सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हो। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका और हमारा जुड़ाव लगातार रह सके, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दें ताकि इस लोकसभा सीट का हाल लोगों को पता लग सके कि इंडिया गठबंधन के द्वारा उतारा गया ये नेता इस बार चुनाव में पिछड़ता हुआ फलौदी सट्टा बाजार के आधार पर दिखाई दे रहा है। साथ ही अंत में दर्शकों, हम आपसे एक अपील करते हैं कि ये फलौदी सट्टा बाजार को हम किसी प्रकार से प्रमोट नहीं करते, ना निवेश की सलाह देते हैं, और इसके जो फैसले हैं या जो अनुमान हैं उसकी भी सटीकता को हम प्रमाणित नहीं करते हैं। ये गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, आप नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि मध्य प्रदेश से इस सीट से सच में फलौदी सट्टा बाजार सच हो रहा है या झूठ साबित होगा। आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। और दर्शकों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक बात जो है वो बताना चाहता हूँ कि IMD द्वारा अलर्ट जारी किया गया है जिसमें 4 जून तक देश में हीट वेव का प्रभाव बताया गया है, तो घरों में सुरक्षित रहें, तो घरों के बाहर तभी निकले जब आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो। फिलहाल जो है इस प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं। इस चुनाव चर्चा प्रोग्राम में आपका होस्ट मैं था सचिन यादव, हमारे साथ है सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी। फिलहाल जो है हम आपसे जाने की इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं ऐसे ही चुनाव से जुड़ी और रोमांचित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।